अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ खाजा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदा लिया हुआ है, 1 कप मैदा लिया, और आधा कप मैं और लूँगी। ये मैंने आधा कप और लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, आप इसको रिफाइंड से ही बना सकती हैं, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से सारा अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है इसको। अब हम इसको पानी देकर गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देकर हम इसको इस तरह से अच्छे जैसे आटा गूंदते हैं। थोड़ा टाइट रहना चाहिए, बस ये हम इसको गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है। इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से हम घी लगा देंगे। तो चलिए हम इसको ढककर रख देते हैं। देखिए इसको 10 से 15 मिनट हो चुका है। ये हमने लिया है देसी घी, जो लिया हुआ था मैंने, उसके अंदर मैं थोड़ा ये मैदा डालूंगी इसके अंदर। इसका मैं घोल बना लूंगी उसके ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ये इस तरह से। इतना पतला ये ऐसे बना लेना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाना है ज़्यादा। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। ये छोटा छोटा हम ये ले लेंगे इस तरह बड़ा। अगर पेड़ा बनाकर ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा निकाल भी लेंगे इसके अंदर से। बाकी हम इतना से काट लेते हैं इसको। ये देखिए इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। जो पतला पतला इसको रोटी जैसे बेलेंगे बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा लगाएंगे इसको मैदा और इसको हम पतला पतला बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। देखिए बिल्कुल पतला बेला है मैंने इसको। और इसी तरह से मैं 4 रोटियां इस तरह से बेल लूँगी पहले। इसको जो हम बेलेंगे थोड़ा छोटा बेलेंगे, जो पहले वाला मैंने थोड़ा बड़ा बेला है मैंने उसको, इसको थोड़ा छोटा भी लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधे इंच छोटा। ये देखिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा बेला है। और इसके अंदर हम जो मैंने घोल बना रखा हुआ घी का, इसके अंदर हम इस तरह से जगह हमारा कहीं से भी खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा लगना चाहिए इसके अंदर। देखिए लग गया ये। अब हम इसके ऊपर जो ये मैंने बेल कर रखा हुआ है ये रख देंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है ये इस तरह से। और ये रोटी हमारी फूलनी नहीं चाहिए अंदर से बिल्कुल भी। इसके ऊपर भी हम ऐसे ही लगा देंगे। इसी तरह से हम तीसरा भी डाल देंगे इसके ऊपर। बस ये फूलना नहीं चाहिए इस तरह से, ऐसे हाथ मार देंगे आप इसके ऊपर इस तरह से तो ये फूलेगा नहीं, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा। फिर इसमें हम पूरे में लगा देंगे इस तरह से। अब ये जो है जो चौथा रोटी मैंने बेला था इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर घी लगाकर, आप इसको बनाएं। अगर कभी कम पड़ जाए जैसे ये घोल तो दोबारा आप बना सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने बनाया है घोल ये। बस ये हो चुका है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सब कर लिया है। आप इधर से भी उठा के मोड़ सकती हैं, इधर से भी मोड़ सकते हैं इसको इस तरह से। तो हम बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके साइड में जो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। ये हम पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, बस इस तरह से लगा लेंगे हम इसको। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये चिपक जाएगा। ये देखिए इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने इसको। यहाँ से हम इसको काट कर हटा देंगे साइड का, ये हटा देंगे हम इसको। इस तरफ से भी हम ऐसे काट लेंगे और इसको हम 1.25 इंच का हम काट लेंगे इसको।
इस तरह से काट लेंगे इसको हम। इसी तरह से हम सबको काट लेंगे एक बराबर का बिल्कुल। ये देखिए सारे पीस हमने काट लिए हैं इस तरह से, सारे लेयर अच्छे आ रहे हैं। इसको उठा लेते हैं पहले यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। चलिए हम पहले गैस ऑन कर लेते हैं कि तेल हमारा तब तक गर्म हो रहा है, तब तक हम ये बेलना बताते हैं। ये इस तरह से हम इसको उंगली से इस तरह से दबा देंगे हल्का सा। आप चाहें तो उसके ऊपर बेलन भी मार सकती हैं हल्का सा बिल्कुल, इस तरह से। सारे लेयर अलग अलग होते हैं इसके बिल्कुल, तो मैं इसको रखती हूँ अभी। और इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको उंगली से दबा देंगे ऐसे, फिर हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। और इसी तरह से हम सारा बेल लेंगे। ये देखिए सबको मैंने इस तरह से बेल कर रख लिया है ऐसे ही, इतना इतना पतला बेला है मैंने। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको, नहीं तो ये खुलेगा नहीं सारे परत इसके। और मैं चाशनी बना लेती हूँ पहले। तेल हमारा इधर गर्म हो रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ चाशनी। ये मैं 2 कप चीनी लूँगी, 1 कप ये ले लिया है मैंने, ये 1 कप और ले लिया, 2 कप लिया है चीनी। और पानी हम डालेंगे, 1 कप पानी डाल दूँगी इसके अंदर। देखिए चाशनी बनने पर आ गया है ये, हमारा पानी जो है ये उबलने पर आ गया है ये। अब तक तो चाशनी बन रहा है, मैं चाशनी को उधर रख देती हूँ, इस तरफ मैं तेल रखूँगी। देखिए इधर हमारा चाशनी बन रहा है, इधर तेल हमारा गर्म हो चुका है। चलिए हम इसके अंदर डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल हम हल्का रखेंगे और इसमें जितना आ जाए हम इतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हल्के गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखा है, बिल्कुल लो पर ही पकाना है इसको इस तरह से। ये देखिए हो चुका है ये, इसको हम निकाल लेते हैं। चाशनी भी हमारा बन चुका है, तो हम इसको इस तरह से निकालते जाएंगे और चाशनी के अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए हम इसको इसमें इस तरह से ये हम डाल देंगे इसके अंदर। गैस का फिर हम लो ही रखेंगे। तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने तो गैस बंद भी कर दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। ये इस तरह से, ये देखिए मैंने चाशनी में डाल के अब तुरंत मैंने इसको निकाल लिया है। चाशनी हमारा ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हल्का ऐसे, बस इस तरह से इसको निकाल के मैं सबको ऐसे ही बनाकर और चाशनी से निकाल कर मैं इसमें रख लूँगी। और इसी तरह से बनाना है। देखिए हमारा ये बन चुका है सारा, सब बना लिया है मैंने। अभी और होगा थोड़ा सा ये। ये देखिए हो चुका है, गैस मैं बंद कर देती हूँ और इसको हम इस तरह से सबको निकाल कर चाशनी के अंदर डाल लेंगे इस तरह से। गरम में ही डालना है। बस इस तरह से हम इसके अंदर डिप कर लेंगे उसको, इस तरह से डिप कर करके हम सबको। पहले हम एक निकाल लेते हैं। ये देखिए सारा हमारा ये बन चुका है और इसी तरह से मैं सबको निकाल लेती हूँ। ये देखिए सारा इसके अंदर अच्छे तरीके से। चाशनी देख लीजिए आप, ऐसे ही बनाना है चाशनी को, बिल्कुल गाढ़ा करना है। हम इसको निकाल लेते हैं, ये भी हो चुका है। देखिए बनकर तैयार हो गया है ये खाजा, बहुत ही अच्छा बनता है ये, टेस्टी बनता है बहुत, और सभी का मन पसंद होता है ये। बच्चे भी खाते हैं इसको, बड़े भी खाते हैं, मीठा कौन छोड़ता है, सबके मनपसंद का चीज़ है ये। और खाजा बनता है ये, बहुत ही पुराना रेसिपी है ये। ये देखिए मैं तोड़कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा अंदर तक रस भी से घुस गया सारा और अच्छे से पक चुका है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उसी तरह से बनाएं, फंक्शन में सभी को खिलाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।